सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 42 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशी वार्ड के विकास के संकल्प के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी महेश सिंह राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं से मुलाकात की और विकास कार्यों का हवाला देकर जनता से सहयोग देने की अपील की। करीब 12,438 मतदाता संख्या वाले सुभाष चंद्र बोस वार्ड से भाजपा के पार्षद पद के उम्मीदवार महेश सिंह राजपूत लगातार वार्ड के मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। वार्ड के प्रत्येक मतदाता के घर घर जाकर पार्षद पद प्रत्याशी विकास के अधूरे कार्यों और वार्ड की जनता की समस्याओं की जानकारी जुटा रहे हैं। भाजपा पार्षद पद प्रत्याशी महेश सिंह राजपूत वार्ड के अलग अलग क्षेत्रों में मतदाताओं के घरों तक पहुंचे और उनसे सहयोग और मतदान अवश्य रूप से करने की अपील की। आज हम व्यक्तिगत तौर पर घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यह जनसंपर्क तीसरे राउंड का जनसंपर्क है। मैं जिस घर में भी जा रहा हूं, इस बात से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं, चूंकि लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि जब आपने 3.5 वार्ड का एक वार्ड था तब इतने विकास कराए, तो अब तो बहुत छोटा वार्ड है। हमसे जनता की यही उम्मीद है। मेन मुख्य समस्या वार्ड की जो है पानी की है, और अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री की आवास योजना जो है, हमारे यहाँ चूंकि गरीब लोग रहते हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का जिन लोगों को भी लाभ मिला है अभी, और जो लोग बच गए हैं उनको हम लाभ दिलाने का काम करेंगे। सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 42 में पार्षद पद प्रत्याशी के तौर पर अन्य दलों के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं।